दोस्तों, आप लोग के पास भी अगर सिलाई मशीन है, अगर आप लोग भी ये काम करते हैं, तो इस काम को बेहतर करने के लिए आप लोग को लाइटिंग की बहुत ही अति आवश्यकता होती है। अगर यही काम को आप शाम के वक्त करते हैं तो कठिनाई की सामना करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिए, आप लोग को इस कठिनाई से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट इसको। दोस्तों, कुछ इस तरह से इसमें जो एलईडी का यूज करेंगे दोस्तों, ये आपको मार्केट में 1 से 2 रुपया में मिल जाएगा। दोस्तों, इसका नाम बता दे तो ये बटन वाला एलईडी है, जो कि आपको बहुत ही ब्राइटनेस के मामला में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रोशनी करता है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं जो है ना इसका जो कनेक्शन कर लिया हूँ, सिंपली जोड़ देना है प्लस माइनस, और इसको आपको सिंपली कहाँ चिपकाना है जानते हैं, जहाँ मिडिल पॉइंट, जो जहाँ लीड, जहाँ सुई का मिड पॉइंट होता है, वहाँ आपको सिंपली फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से चिपका देना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसमें जो स्विच भी लगाएंगे तो स्विच को भी यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, आप लोग को बार बार यही बात बोल रहे हैं, तो यही कारण है कि आप लोग मेरा वीडियो का इम्प्रेशन घट जाता है अगर आप लोग नहीं देखते हैं। तो इसलिए आप लोग से विनती है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, कुछ इस तरह से पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये हाँ तो ये वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो फटाफट चलिए इसको पहले इसमें एक स्विच लगाना। स्विच सिंपली आप लोग जानते हैं, स्विच को एक कोई भी एक तार को काट देना है, एक उसमें इसको जोड़ देना है। तो दोस्तों, सिंपली कुछ इस प्रकार से कर देना है। तो फटाफट चलिए इसको कर लेते। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मैं इसका ढक्कन को भी कस दिया और ढक्कन के सहायता से इसको स्विच को एडजस्ट किया हूँ। और कुछ इस तरह से दोस्तों, इसमें बैटरी का बात करें तो बैटरी का आप पावर बैंक का या मोबाइल चार्जर का बैटरी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से चलिए कर लेते। दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते। दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते। और दोस्तों, इसको अभी टेस्ट करेंगे, तो चलिए इसको चेक करते हैं। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये अंधेरा है और इसको जलाते ही यहाँ लाइट आ गया, और बहुत ही अच्छा लाइटिंग कर रहा है। अगर आप इसे सिलाई करते हैं, अगर आपका घर का लाइन कट भी जाता है, तो उससे कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ने वाला। सिंपली आप इस तरह का बना सकते हैं और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, भविष्य में मान के चलिए इसका सुई का धागा भी कट जाता है। दोस्तों, देख सकते, टूट गया धागा। तो आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आप खुद लगा सकते हैं। इतना इसमें रोशनी है, ब्राइटनेस है, कि आपका इसका जो मिड पॉइंट है, इसको भी देख के आराम से धागा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, लगा लिए। और रोशनी का बात करें तो रोशनी बहुत है इसमें। और अभी जो मैं यहाँ अंधेरा है पूरे, और इसी का रोशनी से आपको यहाँ वीडियो हम दिखा रहे हैं। तो कोई भी हम बगल से लाइटिंग नहीं बार रहे हैं, और यही लाइटिंग से आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, चलिए फटाफट इसको बंद करके आपको यहाँ दिखा देते हैं कि सही में लाइटिंग काम करता है कि नहीं। दोस्तों, देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप अपना काम को बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा है, और इसको जलाते ही यहाँ रोशनी आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका से वर्क करता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।